अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। ये तरक्की का दौर है, ये एक साइंस का दौर है, लोग बहुत आगे चले गए। अगर कोई अनपढ़ भी है तो वो भी इतना आगे है कि उसको भी रास्ते दिखाने का ज़रूरत नहीं है, वो अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। जो गैर मज़हब है वो इस्लाम की तरफ आ रहे, वो इस्लाम को कबूल कर रहे, इस्लाम को मान रहे, मगर जो हमारे मुसलमान भाई है वो इतने अंधे हो गए कि वो अपने मज़हब से भी आगे चले गए। आप लोग जरा इस वीडियो में देखिए, ये एक पीर साहब का कब्र है जिसमें लोग नाच रहे, लेडीज नाच रहे। आप लोग जरा देखिए इस वीडियो में। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, ये अजीब और गरीब वीडियो है। ये एक मजार पे गया हुआ है, वहां पर ये लेडीज नाच रहे। भाई इसका क्या मतलब हो रहा है, तुम लोग वहां जाके नाच रहे, ये इसका क्या मतलब है? मेरे को तो खुद समझ में नहीं आ रहा, ये लोग वहाँ जाके नाच रहे, ये तो और ये और तकलीफ में हो जा रहे हैं। वो मुर्दे जो पड़ा हुआ है वो तो और तकलीफ में जा रहे हैं, उसको तो और तकलीफ मिल रही है। ये नाचना इतना अच्छी चीज़ है कि तुम लोग उसके मज़ार पे चले जाते हो, वहाँ पे नाच लेते हो। ये मेहरबानी करो मेरा भाई, ऐसे वीडियो नहीं बनाया करो और ऐसे काम भी नहीं किया करो। जो लोग ऐसे काम करते हैं वो अल्लाह के पकड़ में अगर आ गया ना तो उसका खैर नहीं है। अगर किसी मुरीद के पास आप जाते हो या किसी पीर बाबा के पास जाते हो, अगर किसी वली के मज़ार पे आप लोग जाते हो, तो मेरे भाइयों अगर उन लोगों ने कुछ किया तो वो तो अपने लिए किया, तुम्हारे लिए थोड़े किया। मगर तुम लोग अभी तुम लोगों ने नया ड्रामा बनाया हुआ है, वहाँ मज़ार पे चले जाते हो, वहाँ पर नाचते हो, वहाँ पे मन्नतें मांगते हो। क्या मन्नत देने वाला ये है, मज़ार वाला है? मेरे भाइयों अपने अकीदे को ख़राब नहीं करो, अपने इस्लाम को बदनाम नहीं करो। ये बाहर गैर मज़हब लोग देखेंगे वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे कि भाई ये किससे, मुर्दे से अभी सब कुछ मांग रहे? तो मेरा भाइयों दोस्तों, सब कुछ देने वाला अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो मेरा भाइयों ये एक शॉर्ट वीडियो था जो मेरे सामने आया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।